जो हाजिरी है दफातर के अंदर उसमें जो सुपरवाइजरी ऑफिसर्स हैं जैसे सेक्रेटरी साहिबान अपने दफ्तर में हैं, उनके नीचे एडिशनल सेक्रेटरी डिप्टी सेक्रेटरीज हैं, अपने अपने शोबों के अंदर हाजिरी को यकीनी बनाना उनकी ज़िम्मेदारी है। इस सिलसिले में हुकूमत ने कई बार हदायत जारी कर चुकी हैं और गुज़श्ता माह में चीफ सेक्रेटरी साहब की सरबराही में मीटिंग हुई थी, उन्होंने भी तमाम सेक्रेटरी साहिबान को अपने अपने यहाँ दफातर में हाजिरी और मुकम्मल दिन जो ऑफिस आवर्स हैं उनके अंदर हाजिरी को यकीन बनाने के लिए हदायत दे रखी और अमल दरामद भी हो रहा है। तो हम दोबारा सेक्रेटरी साहिबान को इस बारे में पाबंद करेंगे कि वो अपने अपने दफातर के अंदर इसको हाजिरी को यकीनी बनाएं। जहाँ तक जो सिस्टम एजुकेशन ने बायोमेट्रिक का किया है, सेक्रेटेरिएट के अंदर या बाकी दफातर के अंदर मरकजी दफातर या डिवीजनल जो दफातर हैं उनके अंदर कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। बुनियादी जो प्रॉब्लम है वो हमारे जो आउटरीच हमारी है मुख्तलिफ हेल्थ की एजुकेशन की अदारे जो हैं उनमें प्रॉब्लम यह है कि वहाँ पर इमीजिएटली सुपरवाइजरी ऑफिसर जो है वो अगर पूरी तरह काम ना करें तो वहाँ पर हाजिरी जो है वो यकीनी नहीं होती, जहाँ पर लोगों को फिर आके अपनी हेल्थ में या एजुकेशन के अंदर उनकी गैरहाजिरी जो है उसकी वजह से नुकसान होता है। तो बहुत अच्छा इकदाम उठाया एजुकेशन डिपार्टमेंट ने, उन्होंने बायोमेट्रिक ले के आए हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट भी बायोमेट्रिक सिस्टम के अंदर जा रहा है और यकीनन हम चाहेंगे कि वो आज़ाद कश्मीर के बाकी दफातर के अंदर भी बायोमेट्रिक सिस्टम ले के आएँ। प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अंदर बायोमेट्रिक सिस्टम ऑलरेडी आ चुका है, बाकी सेक्रेटेरिएट के अंदर भी बायोमेट्रिक सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है।